तीन नवंबर को FIR लिखा के गई हूँ, इसका नाम लेके गई हूँ कि मास्टरमाइंड यहाँ यही सारा कातलों का जिम्मेवार है। तो मेरे को आस थी कि आप मेरे जख्म इतने गहरे हो गए हैं ना, रिस रहे हैं, मसूर बने हुए हैं, कि आज मेरे को इस देश से न्याय मिलेगा, मेरे जख्मों के मरहम लगेगी, मरती मरती तो देख जाऊंगी ये न्याय। अब मेरा इतना भरोसा टूट गया है, ना तो ये हमारा देश है, ना हम इस देश के वासी हैं, ना हमारे इस देश में हमारी कोई जगह है, हम सिखों को इस देश का वासी माना ही नहीं जाता। अरे इतने कातिल, इतना बड़ा कातिल तो वो उसको बरी कर दिया, तो वो बेचारे दूसरों को क्या बांधते हैं, इतनी बड़ी धारें लगाते हैं तो उसको भी बरी कर दे। जब न्याय नहीं देना तो साढ़े अखा तो अथरू क्यों, सानू बेवकूफ क्यों बनाया जा रहा है, हैं? तो मैं तो धरना देके बैठ गई थी, मेरे को तो बड़ी मुश्किल से निकाला, जज सबको बाहर निकालो, एक सेकंड में दिया फैसला, भागा बाहर निकल, मेरे को सजाए मौत दे, मैं लेने को तैयार हूँ, क्योंकि सिखों के लिए फांसी का बंदा है वो बुर्लर के। जब देखो एक इसने कानून आदमी इसने जूता फेंका, जूता क्यों फेंका, जब हमें पता चला कि ये तो अनेर बन गया, कानून तो है नहीं कोई, तो किस कानून का मान करे, तो इन्हें जूता फेंक दिया, इन्होंने जूता फेंक दिया, तो इसके इसको तो उसी तक पकड़ के बिहार जेल में भेज दिया, तो जो कातल है तो उसको तो जज साहब के कमरे पे निकाल दिया। इसको क्यों माने न्याय को, हम इसके वासी नहीं है, हम तो दो नंबर के शहरी हैं, हमारी तो चप्पा धरती भी नहीं, हम कहाँ रहेंगे, गुलाम है इस देश में, हम गुलाम हैं, गुलामों की जिंदगी जी रहे हैं ना, हमारे इतने बड़े 10,000 किशोरी लाल जैसे तो जो 7-7 पर सासी हुई, उसको तो उम्र कैद में बदल दिया, उसको तो अब इसका करेक्टर बहुत अच्छा, शीला दीक्षित जी कह रही है इसको तो बरी कर दो, तो वो जो इतना बड़ा कातिल है तो उसको जज साहब ने अपने कमरे से खिसका के कर दिया, उसने अपनी मर्जी का फैसला लिया, मेरे को 8 करोड़ रुपया देता था, वो कहता था बाकियों को फांसी करा दूंगा, मेरे को बचा लो, जब मैं नहीं मानी कि जमीन बेची नहीं जाती, तो वो पता नहीं वो 8 करोड़ जज को दे दिया, खरीद लिया, वो सब कुछ पका हुआ है इस देश में, न्याय नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा, हमारे लिए कोई कानून नहीं है, न्याय नहीं है, न्यायपालिका नहीं है, जो राजनीतिक है उनकी तो कुत्ती भी मर जाती है ना, कि पार्लियामेंट में वो सिद्धांत देते हैं, अरे 10,000 सिख मर गया, आज तक पार्लियामेंट में किसी माई के लाने खड़े होकर कहा इसका खेद है, हमें अफसोस है, मौन रखा, आज तक दो नंबर के शहरी नहीं हुए, क्या हो गया, अरे ये देश है, इसको देश मानते हो, ये तो जानवरों का देश है, कानून क्या है, मैं नहीं मानती अब कानून को, मेरे को फांसी दे दे, मैं नहीं मानती, अरे देखो मैं लड़ूंगी जब तक जीऊंगी, अब फिर दम तक जुआनों तक जाऊंगी, सारी दुनिया को बताऊंगी कि हमारे साथ अन्याय हुआ है।